पारादीप रे शिशु बिक्री घटना रे बे नुआ तथ्य सामना को आसी वाइजाक रु शिशु उद्धार होई नवजात शिशुटी वर्तमान समय वाइजाक रु उद्धार होइतवाने सूचना रही पारादीप रे बिक्री होइतला शिशु पुत्र शिशुटी पुष्टि स्वास्थ्य केन्द्र रे वर्तमान समय रे चली शिशुर चिकित्सा जन्म हेबार दिनक पर दलाल को हाथ को टेकी देथिले मां वर्तमान समय रे पुलिस तनाघना चलाई विशेष करी जन्मदात्री मां को खोजुची पुलिस तो बड़ा अपडेट आसुची बिक्री शिशु वर्तमान समय भाईजाक रु उद्धार होई शिशुटी वर्तमान समय शिशुर स्वास्थ्यवस्था नहीं जांच चली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चली शिशुर चिकित्सा तबे जहाँ सूचना रही जन्म होबार दिनक पर दलाल को हाथ को टेकी माँ एवं दलाल मानू प्रशासन तरफ चेतावनी दि जाता जे शिशुपुत्र जल्दी तुरंत फेराई देवाई वर्तमान समय जहाँ अपडेट रही शिशुपुत्र उद्धार हो वर्तमान समय रे तार स्वास्थ्यावस्था नहीं जांच चली उधार शिशु को पारादीप गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर शिशुटी सुस्थ थिबा जना पड़ी पुलिस उपस्थित रे चिकित्सा चली जन्म होबार दिनक पर शिशु बिक्री अभियोग होता एवं भी नवजात मार कौन पत्ता मिलूना 24 घंटा भितर शिशु को हस्तांतर नक बंधावे दलाल संपर्क को चेतावनी देते प्रशासन तेज जगत सिंहपुर जिला शिशु सुरक्षा कमिटी अधिकारी पहुंचा पर शिशु को हस्तांतर कर सूचना रही अधिक सूचना पाई आम सहित ऑनलाइन ने पारादीप प्रतिनिधि रश्मि आम सहित फोन में जोड़ी जाइछन रश्मि जानिबा को चाहिबी वर्तमान समय रे शिशुटीर स्वास्थ्यवस्था केमिति रहिछि पुलिस कोन प्रतिक्रिया रखुछि आ देखन जहां कहबा जो शिशुटी के दो बिक्री कराइ छ परा जाइछ त माने जन्म कला मां बिक्री कर देथला 1 लाख टंका रे त काली मध्य जो कया सीडब्ल्यूसी उपस्थित माने पारादीप आछिले एवं तांको सहित पुलिस मध्य उपस्थित थिले एवं जहां कहबा जो दलाल अछि 36 सतीश जो संपर्क पाक पुलिस जाता सीडब्ल्यूसी जाते तागिद करते यथाशीघ्र से जो पिलाटा को आस्तांतर कर 24 घंटा न पूर्ण बर्तमान जो कह सतीश दलाल दलाल संपर्क आनी बर्तमान पुलिस को शिशुटी को हस्तांतर कर शिशुटी बर्तमान जो कह पारादीप स्वास्थ्य केन्द्र बर्तमान चिकित्सित हो पुलिस उपस्थित अच्छा बर्तमान सुधा कह सतीश जे दलाल से बर्तन क्योंकि तार किसी पता मिलना एवं जो जन्म कला माँ से बर्तन कटक क्यों जगह अच्छा तार मत किसी पता मिलनी जहाँ कह बर्तन किसी कमिटी आसी पारादीप पहुंचे और पुलिस उपस्थित आहरी खोलचाट जारी रहा रश्मि जानवाक चाहिए वर्तमान समय शिशुपुत्र अवस्था वर्तमान समय सुस्थ थिबा नै कह जाउची विशेष करी ये जो कथा कह जाउची जे शिशुपुत्र टिकु दलाल को हाथ को टेकी दिया जाइतला पुलिस कौन कहूँ कार्यानुष्ठान कौन निजी के सामिल थे विशेष करी तांको मां वर्तमान समय केउठी अछन्ते देखो तो मतलब कहया जो मां शिशुपुत्र बिकला पर बारंग पड़ जा जहां सूचना मिली गत काली सीडब्ल्यूसी जो जो मामिना सरकार कहवा जे शिशुपुत्र जन्म करते जन संपर्क आश्रय नहीं मवसी मत कहते शिशुपुत्र को मत देवाई कि सी मना करते कि टा लोभ से आउ जन बिक्री करते आम कह जो जगार सी नुआ बजार जो आदिवासी पड़ा रोते जो कह नोलिया पड़ा रोते से जगह जन दलाल थे प्रलोभित करते 1 लाख टंका तो शिशुपुत्र बिक्री करने से लगता तापर आउ गोटे कथा कहवा जे दीर्घ दिन हम जे महिला आश्रय देते षंडकुद्र जे मांगा बोली जे महिला जहाँ कह तेलुगु संप्रदाय महिला से आश्रय देते चिकित्सा करते स्वास्थ्य देखुते समस्त प्रकार खर्च बहन करते मत जो मामिना सर्दार कथा कहवा से मत कथा होते पु हो कि झी हो से देते जेहतु से प्रथम पिलाटा को नष्ट करने चाहते कि मांगा जे कहला शिशु पिलाटा पुह कि झील नष्ट करना मुझे सब लालन पालन करी मत तुम दे सह तुम जो छोट झीटा अच्छे तार मत लालन पालन करा मत टा 30-40 हजार टाँग तुमको मत देवी ता सत्वे मत महिला जनक प्रलोभित हो 1 लाख टकर शिशुपुत्र को क्रिक देते जहाँ कह का जो सीडब्ल्यूसी कमिटी आ उपस्थित समस्त जैक पचरा उचरा कर जेरा करता भितर बो मान दलाल अच्छा किए के पैसा नहीं पुलिस खोलचाड़ कर निहतर रश्मि बड़ अपडेट जहाँ सुरश्मी जानवाक चाहिए वर्तमान समय जेहेतु शिशुपुत्र उद्धार हो सारी किंतु जेहेतु माँ को पत्ता मिलूना आगु को कौन कार्यानुष्ठान निजी विशेषकर शिशुटी सुरक्षा नहीं कौन पदक्षेप ना प्रशासन
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁପୁତ୍ର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବା ଯୋଉ ସେଇଭଳି ସେ କମିଟି ଆସିଲେ ସିଏ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଯୋଉ ମାଆଟି କଟକର ବାରଙ୍ଗରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଦଲାଲ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ପାରାଦୀପ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଶ୍ମି ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପାରାଦୀପରୁ ଯେ ବାବଦରେ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁଟି। ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାରାଦୀପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଶିଶୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।